एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड ट्रीट। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज़ नगेट्स, और ये पोटैटो चीज़ नगेट्स ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ये चीज़ नगेट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में, क्योंकि आप इसे पहले से भी बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन हो आप इसे फ्रिज से निकाल के सीधा फ्राई करके खा सकते हैं। तो इस पोटैटो चीज़ नगेट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 9 से 10 उबले हुए आलू लें। यहाँ पर आप आलू की क्वांटिटी को अपने हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपको बनाना हो। और उसके बाद आलूओं को अच्छे से मैश कर दें। तो आप इन पोटैटो नगेट्स को फ्रिज में 3 से 4 दिनों के लिए रख सकते हैं और फ्रीज़र में 5 से 6 दिनों के लिए रख सकते हैं। तो आलूओं को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें डाल दें रेड चिली फ्लेक्स। यहाँ आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं। और अब डालें 1/2 टेबल स्पून नमक। यहाँ नमक कम यूज़ करें क्योंकि चीज़ भी सॉल्टी होता है, तो आप इसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। और अब डालें 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स और 1 बोल ग्रेटेड चीज़। तो यहाँ मैंने अमूल प्रोसेस चीज़ यूज़ की है। आप इसकी क्वांटिटी को घटाया बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो। ज़्यादा चीज़ ही पसंद है तो आप और ज़्यादा डाल दें। और अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप एक काम करो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बस यही एक छोटा सा काम था, तो अगर आप नए हो तो आप इसे ज़रूर करना। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब इसे साइड रखें और एक बोल लें और इसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या आरारोट। और अब डालें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चिली पाउडर, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और इसे एक अच्छा और स्मूथ बैटर तैयार कर लें। तो यहाँ इस बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, तो आप इसे थोड़ा सा थिक बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो यहाँ हमारा नगेट्स को कोट करने के लिए बैटर रेडी है, इसे साइड रख दे। और अब हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाए और थोड़ा थोड़ा सा आलू और चीज़ का मिक्सचर ले और इसे एक नगेट के शेप दे दे। तो यहाँ आप इसी तरीके से सारे पोटैटो नगेट्स को शेप दे दे। और अब इन नगेट्स को हमें फ्लावर बैटर में और ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। तो सबसे पहले बैटर को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, और उसके बाद एक पोटैटो नगेट लें और उसे बैटर में डिप करें और उसे अच्छे से कोट कर दें बैटर से, और इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दें। तो यहाँ आप ब्रेड क्रम्ब को भी घर पे बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। उसके लिए आप नॉर्मल वाले जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उसके जो ब्राउन एजेस होते हैं उसको काट करके मिक्सर में डालें और अच्छे से ग्राइंड कर लें, और आपका ब्रेड क्रम्ब रेडी है। तो आप इसी तरीके से सारे नगेट्स को बैटर और ब्रेड क्रम्ब में कोट करते जाएं। तो सारे नगेट्स को कोट करने के बाद इसे एक बार अच्छे से हाथों में रोल करके चिपका दें, और उसके बाद इसे हमें रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में। तो आप इसी तरीके से सारे नगेट्स को बना करके फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखें, और उसके बाद आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई लें और उसमें कुछ तेल गर्म करें, और तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने दें। और यहाँ तेल को अच्छे से गर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमें नगेट्स को पकाना नहीं है, सिर्फ अच्छा और गोल्डन ब्राउन करना है, जिसके लिए तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद इसमें डाल दें नगेट्स, और बहुत सारा एक साथ ना डालें, 5-6 ही एक बार में डालें, और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, और इसमें आपको 1 मिनट से भी कम ही लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसे हमें तेल से निकाल लेना है। आप इसी तरीके से सारे नगेट्स को फ्राई कर लें। तो ये पोटैटो चीज़ नगेट्स ब्रेड क्रम्ब के कारण ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, और आलू और चीज़ के कारण अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ये सबसे ज़्यादा सिंपल स्नैक है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, और सबसे ज़्यादा सिंपल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप इसे पहले से भी बना करके स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको मन हो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं।